वेलकम टू धन यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट टू, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको API ट्रेडिंग के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी और कैसे आप लैपटॉप्स पे अपने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप एक मैक या लिनक्स यूज़र हैं तो आपके लिए प्रोसेसेस थोड़े डिफरेंट हैं विंडोज़ यूजर्स के कंपैरिजन में। हम दोनों प्रोसेसेस को देखेंगे कि कैसे आप दोनों जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैक का इंस्टॉलेशन देखते हैं कि आप मैक में या लिनक्स में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल दो ये वाला प्रोसेस विंडोज़ यूजर्स के लिए भी सेम है, सो आ जाइए आप स्क्रीन पर। सो सबसे पहले आपको टाइप करना है VS कोड डाउनलोड। जब आप VS कोड डाउनलोड करेंगे तो पहला ही जो ऑप्शन आता है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ये ऑप्शंस दिखाएगा कि कैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड आप विंडोज़ में, आप लिनक्स के अंदर या फिर आप मैक लैपटॉप के अंदर डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी और सेटिंग पे नहीं जाना है, जैसे कि अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हैं आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस है मैक यूज़र्स और लिनक्स यूज़र्स के लिए। मैक के लिए भी आप डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ये आपका फ़ाइल ले लेगा। विंडोज़ में सिंपल प्रोसेस है, आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हुई है, आप उसको क्लिक कीजिए, प्रोसेसेस पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए फिनिश कर देना है, तो आपका वो बहुत आराम से डाउनलोड हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। जब आपका एक बार VS कोड इंस्टॉल हो जाता है एंड देन उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप मैक में दूसरे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। अब ये VS कोड है क्या? बेसिकली जब आप API ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले कोड लिखना पड़ता है, और वो कोड लिखने के लिए आप उस कोड को नोटपैड या फिर गूगल शीट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स पर नहीं लिख सकते हैं। आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ये VS कोड वही आपका एक एनवायरनमेंट होता है, इसको बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इन सब कॉम्प्लेक्स टर्म्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये VS कोड एक डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको एक चीज़ और डाउनलोड करनी है, जो कि है पाइथन। आप नॉर्मली आप जब स्क्रीन पे आएंगे, मैं पहले मैक यूजर्स के लिए बताता हूं, आपको डायरेक्टली लिखना है पाइथन डाउनलोड। आप जब पाइथन डाउनलोड लिखेंगे आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले जो आएगा ये आपका डाउनलोड पाइथन 3.12.1 है, ये आपका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर देगा। आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन आपके पास रहेगा तो आप सारी चीज़ें सही से चला पाओगे। ये मेरे पास डाउनलोडेड ऑलरेडी है, इसलिए मैं वापस से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे है। ये आप अलाउ करेंगे, जैसे ही आपका पाइथन भी डाउनलोड हो जाएगा। ये एक .pkg फाइल में डाउनलोड हुआ है मैक यूज़र्स के लिए, आप इसको डायरेक्टली अपने कमांड्स में देख सकते हैं। विंडोज़ यूज़र्स के लिए यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब वो डाउनलोड करते हैं पाइथन को, तब उनके पास पाइथन डाउनलोड तो हो जाता है, बट वो पाइथन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। तो विंडोज़ के अंदर एक जगह होती है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। आप डायरेक्टली बस सर्च बार पे जाइए, अब वहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स टाइप कीजिए, आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपका एक बटन आएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, उस पर क्लिक कीजिए। अब आपको स्क्रीन पे दो वाइट कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं, ऊपर वाले वाइट बॉक्स पे पाथ नाम का एक आपका वेरिएबल रहेगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तब बेसिकली आपके सामने बहुत सारे एक वाइट विंडो पे बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। इसमें न्यू को क्लिक कीजिए और न्यू के अंदर जहाँ पे आपका पाइथन डाउनलोड हुआ है आप वो वाला पाथ कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। आपको सिर्फ पाइथन का ही पाथ नहीं डालना है, जहाँ पे आपका पाइथन डाउनलोड हुआ है वहाँ पे एक फोल्डर और होगा स्क्रिप्ट्स करके, आपको वो स्क्रिप्ट्स का भी पाथ लेके इस वाले पाथ पे डाल देना है। आपके ये दोनों पाथ जैसे ही डल जाएंगे, आप ओके करेंगे तो आपका पाइथन इंस्टॉल है। सेम चीज़ आपका मैक यूज़र्स के लिए डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है। अब जब आपको चेक करना है कि आपका ये सब चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं या नहीं हुई हैं, तब आप बेसिकली आपको पाइथन चेक करने के लिए मैक यूज़र्स के लिए आपको टर्मिनल पर आना है और टाइप करना है पाइथन डैश डैश वर्जन। तो आप देखेंगे आपका पाइथन का वर्जन यहाँ पर शो हो जाएगा। सिमिलरली विंडोज़ लैपटॉप के यूज़र्स के लिए आप जो है अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप सेम चीज़ लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा पाइथन। अगर वहाँ पे कोई एरर आता है, इसका मतलब आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ है, आप धन कम्युनिटी पर जाकर उसके बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो चेक करनी है PIP डैश डैश वर्जन।
आप देखेंगे आपका PIP वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी आपको एरर आ रहा है तो आप एक बार YouTube, Google आप एक बार अपना क्वेरी डाल के देख सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप धन कम्युनिटी पर इस एरर को पोस्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई हमारी टीम से आके आपको हेल्प कर देगा। तो आप ये जो पिप देख रहे हैं, ये जो पिप हम लोगों ने अभी टर्मिनल में डाल के चेक करा है, ये ऑलरेडी पाइथन के साथ इंस्टॉल आता है। आपको इसमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब पाइथन इंस्टॉल कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली ये पिप यहाँ पे शो होना चाहिए कि ये पिप का ये वाला वर्जन आपके सिस्टम पर है। अगर ये शो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पाथ में, विंडोज़ यूजर्स के लिए मेनली ये आपके पाथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते। ये तीन चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें मैंने आपको इंस्टॉल करवाई, VS कोड, पाइथन एंड पिप। ये तीन चीज़ें आपकी मेजर चीज़ें हैं जो आपकी इंस्टॉल होंगी, जो आपको आगे कोड बनाने के लिए हेल्प करेंगी। एक बार वापस आते हैं VS कोड पर। आप जब VS कोड आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, तब आप जब VS कोड को क्लिक करेंगे तो VS कोड कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू फाइल का नाम रखते हैं sample_dhan.py। .py इसलिए क्योंकि हमारे को एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। जैसे ही आप एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं, इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये, अगर आपके सामने आता है, आपको इसको कैंसिल कर देना है। ये ब्लैंक स्क्रीन पर आपको अपना कोड लिखना है। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, प्रिंट लेट्स स्टार्ट API ट्रेडिंग, आप ये करेंगे। और ये बगल में आपको ये जो प्ले बटन दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर पर, इसको क्लिक कीजिए एंड आप देखोगे यहाँ पे आपका स्क्रीन नीचे लिखा हुआ आ गया, लेट्स स्टार्ट API ट्रेडिंग। क्योंकि अभी हम बहुत बेस से हर एक चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, आपके सामने ये वाला चीज़ डायरेक्टली हम लोगों ने रन करके दिखाया है। जब हम आगे और बढ़ेंगे तो इसी आउटपुट को आप चाहे तो किसी गूगल शीट के अंदर, आप एक्सेल फाइल के अंदर, CSV फाइल के अंदर या टेक्स्ट फाइल के अंदर दिखा सकते हैं। जहाँ पे आपका मन करेगा आप वहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। मैं आपसे एक चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन होनी चाहिए, तभी आप इन लेक्चर्स को आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में भी आती चली जाएगी। कोई भी क्वेरीज हो आपको, आप community.dhan.co पर आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, या फिर इस YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज लिख के डाल सकते हैं। मैं या फिर हमारा कोई टीम मेंबर आपकी आके ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए इतना इंस्टॉल कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे की बात करने के लिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.